जय विष्णु दोस्तों, होप आप सभी अच्छे हों। तो आज 13 दिसंबर हो गई और हिमाचल में नई सरकार भी बन गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे नए चीफ मिनिस्टर जी बन गए हैं। तो आज करते हैं दिन की शुरुआत। तो आज यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं नींबू का अचार डालने की, अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये तैयारियाँ चल रही है अभी, नींबू का अचार डालेंगे। ये जीरा, सौंफ, मेथी और ये काला नमक, अजवाइन और ये कलौंजी और हींग भी है और काली सरसों भी डालेंगे। नींबू का अचार डालेंगे और नींबू दिखा देता हूँ आपको। ये नींबू सूखने डाले थे पहले, तो ये नींबू रहे। इनको पहले 3 दिन पानी में रखा था और 1 दिन धूप में, तो भी ऐसे हो गए हैं। अभी नेक्स्ट तैयारी की जाएगी, अब सारे मसालों को पीसा जाएगा, पीसानी सॉरी रोस्ट किया जाएगा। अभी सबसे पहले मेथी को रोस्ट किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर इसको रोस्ट करेंगे। तो अभी ये रोस्ट हो गए हैं, ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करेंगे, जस्ट इनका मॉइस्चर ही चला जाए बस इतना रोस्ट करेंगे। ये अभी मेथी हो गई है, अभी मेथी के बाद सौंफ भी करेंगे। तो ये निकली मेथी, तो अभी नंबर आ गया है सौंफ का। इतने दिन रोस्ट करेंगे कि बस इनका मॉइस्चर निकल जाए। अभी सारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, अभी वक्त है नींबू को काटने का। अभी नींबू की कटाई करेंगे शुरू। तो ये नींबू की कटाई होगी, अभी इनमें डालने जा रहे हैं मसाले। और अर्थू को देखो, कड़ी ठंड में छाया में बैठा हुआ है, चल इधर आ। और ये नींबू कट रहे हैं धड़ाधड़। तो ये नमक डाल दिया है, सबसे पहले नमक डाला। अभी हल्दी जाएगी, हल्दी के साथ अभी ये जीरा, हाँ सारा मिक्स कर दिया था, जीरा सौंफ अजवाइन सभी चल गए और काला नमक जाएगा अभी। और ये थोड़ा सा हींग और इस लड़के को देखो, थोड़ी सी अजवाइन और ये क्या था, कलौंजी और देखो फौजी कल्ला है क्रोलिंग। और जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च, देगी मिर्च, अचार का रंग बहुत बढ़िया होता है। It will give the color to achar. पहुंच गया लड़का, पहुंच गया धीरे धीरे क्रॉलिंग करता हुआ। थोड़ा सा जीरा डाल दिया और खड़ा जीरा, खड़े मसाले डाल रहे हैं। और ये गई सरसों, बड़ी अच्छी वो क्या गिरा दिया लड़के ने, उठाओ उसको। अभी गुड़ डाल रहे हैं, टाइम मेरा बन पाना जी, आज पा गया। अभी गुड़ डाल ले रहा है इसमें, फिर हम भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में जब इसको मिलाएंगे। अभी सब कुछ डाल दिया इसमें, गुड़ भी डाल दिया कद्दूकस करके। तो अभी मिलाया जा रहा है इसमें, अभी तेल भी डाला जाएगा इसमें थोड़ी देर बाद। भाई फ्रेगनेंस बड़ी सही आ रही है इससे, लाजवाब, खाने का भी से मन कर रहा है। लो अभी मिक्स करके हो गया रेडी। तेल कब डालना, तेल ऊपर से। अभी इसको डब्बे में रख दिया जाएगा, अब खाने लायक हो जाए, हो खा भी सकते हैं वैसे अभी, और 1 महीने बाद ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अभी इसमें डाले
तेल गरम करेंगे पहले, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर डालेंगे इसमें। जब ये बन गया अपना नींबू का अचार हो गया रेडी। तो इन दो डब्बों में डाल दिया अचार, तो अभी थोड़ी देर में इसमें तेल डालेंगे, तेल ठंडा करने के लिए रखा है। तभी तेल गरम करने के बाद ठंडा किया, अभी तेल को डाल दिया जा रहा है। इसमें भी डाल दो, पूरा डाल दो कढ़ाई का, नहीं नहीं ठंडी है, डाल दो। तो ये अचार हो गया अभी रेडी, एक 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद खाने लायक हो जाएगा। तो अभी शाम का हो गया है वक्त और हवा चल पड़ी है ठंडी, ठंडा हो गया है मौसम। तो अभी हम जा रहे हैं जबल, खड्ड है वहाँ पे, खड्ड के पास जा रहे हैं कुछ काम से, तो अभी चलते हैं खड्ड। तो ये अभी हम पहुँच गए हैं जबल, ऊपर जबल का ब्रिज, और देखो पीछे, तो ये रहा जबल का ब्रिज, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है और एक खड्ड, अच्छा व्यू है यहाँ का भी, और सामने लगता है किसी की डेथ हुई है। तो अभी जब बल आए थे हम, तो किसी काम से, अब काम हो गया, अभी चलते हैं घर, तो मिलता हूँ आप सुबह में। तो देखिए अब ताई के फंक्शन आ रहा है अगले महीने, ताऊ ताई के, बड़े ताऊ ताई के, तो उन्होंने कद्दू इकट्ठे कर लिए, देखो कितना बड़ा कद्दू है, ये दो, एक ये वाला और ये वाला, इनका साइज भी ठीक है, लेकिन ये दो कुछ लंबे वाले अलग ही टाइप में बड़े बड़े हैं। अगले महीने है ताई का फंक्शन, कद्दू वहां भी रखा गया है, और देखो नीचे अर्थु और अर्थु की दादी, अर्थु अर्थु बात नहीं करेगा, अर्थु का अगले महीने फंक्शन है, इसलिए सोचेगा कि बात करूंगा तो ये आ जाएंगे खाने पहले ही, है ना अर्थु? नहीं ये नहीं करने वाला बात, बड़ा काजल लगाया तूने, हाँ नींद आ रही है, नींद, चल आ जा। हवा चली है बड़ी तेज। तो अभी आ गए हूँ पर हम गाय के पास, और बाबा जी सेक रहे हैं, धूप सेक रहे हो, और धूप तो चली गई, अब क्या सेक रहे हो? तो ये है वो नई टियागो जो लाए थे उस दिन, और ये देखो लकड़ी के पीस पड़े हुए हैं, बड़े ताऊ ने फंक्शन के लिए लकड़ियां करवाई, यहाँ बोलते हैं समत, इतनी सारी लकड़ियाँ, बट मैं था नहीं उस दिन, तो दिखा देता आपको, समझ पड़ाई यहीं करिए, देखो छोटे छोटे पीस पड़े हुए हैं। देखो अभी गेहूँ बढ़ने लगी है, पूरी ग्रीनरी हो गई है गेहूँ की, यहाँ इनकी सिंचाई है तो होगी है, बाकी जिनकी सिंचाई नहीं है वहाँ तो वो भी निकली नहीं है कनक। अच्छा व्यू बना,